वैश्विक महामारी में देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य योजना बनाई वह सफल भी हुई और आज की परिस्थिति में हम कोरोना को हराने में सफल हो रहे हैं। यह सब कुछ भारत सरकार, प्रदेश सरकार एवं जनता की सावधानियों से हुआ है और हम आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उक्त विचार जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अवंतिका मेहर सिंह जाट ने वैश्विक महामारी सेमिनार के भाजपा मंडल रामपुरा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय मांगलिक भवन में कहे। सेमिनार को संबोधित करते हुए श्रीमती जाट ने विस्तृत चर्चा कर बताया है कि इस महामारी में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन से लेकर कोविड सेंटर में संपूर्ण व्यवस्थाएं की है। वहीं इस महामारी को लेकर प्रदेश सरकारों को करोड़ों रुपए दिए हैं ताकि कोरोना मरीजों का जल्द से जल्द इलाज हो सके और वह स्वस्थ होकर अपने घर को लौट सके। इसी कड़ी में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश मुक्त कोरोना के लिए पूरी रणनीति बनाई व आज इन्हीं परिस्थितियों में पॉजिटिव केस लगभग जीरो की तरह नजर आ रहे हैं। फिर भी हमको पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है और अपना कार्य भी पूरी सावधानी के साथ करना है। सेमिनार को मनासा क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने संबोधित करते हुए बताया है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट सेंटर बना दिया गया है, साथ ही मरीजों की पूर्ण व्यवस्था भी की गई है और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज कोई पॉजिटिव केस नहीं आ रहा है। यह सभी आप सबकी सावधानियां एवं सरकार के सहयोग से हुआ है, लेकिन हमको अभी भी तीसरी लहर से सावधानियां रखनी होगी और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। सेमिनार कार्यक्रम में मंच पर वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राधे श्याम सारू, साथ ही में राधे श्याम मडवारिया, पूर्व मंडी अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, मंडल अध्यक्ष गोपाल गुर्जर, जिला मंत्री श्रीमती कविता डबकरा और कैलाश देवड़ा मंचा सिंह थे। कार्यक्रम का सफल संचालन मंडल महामंत्री दीपक मर्चा ने किया है। तत्पश्चात गांव जमालपुरा के दीपक गरासिया ने कोरोना के संदर्भ में एक मधुर गीत प्रस्तुत कर जागरूक किया। सेमिनार के इस आयोजन में नगर व क्षेत्र के सभी पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए रामपुरा से रुपेश सारू की रिपोर्ट।